दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर सरकार अपना काम शुरू कर चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज भी अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों से कहा कि लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट यानी कि स्थानीय निकाय विभाग के अंदर जो नगर निगम है, नगर परिषद हैं, नगर पालिकाएँ हैं, वहाँ के अधिकारी अपने कार्यालयों में बैठें और सुबह 9 से 11 दफ्तर में बैठ करके लोगों की समस्याएँ सुने। बहुत अच्छी बात है। अगर सरकार जिस प्रकार से चल रही है, जिस प्रकार से सरकार का टेक ऑफ एक्शन है पिछले 4 दिन के अंदर, यानी कि शपथ ग्रहण से ले करके और अब तक, पहला दिन शपथ हुई 17 तारीख को, 18 तारीख को कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक के अंदर नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुफ्त डायलिसिस की और इसके साथ साथ कोटे में कोटा वर्गीकरण शुरू कर दिया। 19 तारीख को हरियाणा के अंदर 24,500 युवाओं को नौकरी मिल गई और 20 तारीख को फिर एक्शन में नजर आए नायब सिंह सैनी और बैठक करी। तो ये तो मुख्यमंत्री के एक्शन हुए। एक्शन में सरकार के वजीर भी हैं और चर्चा में आपके साथ मैं सरकार के वजीरों के एक्शन को लेकर ही हूँ। सरकार के मंत्री मैं आपसे चर्चा करूँ तो सरकार के कई बड़े मंत्रियों ने अपने जो गृह जिले, गृह विधानसभा क्षेत्र में पहुँचे, उनका स्वागत हुआ, उनका खैर मकदम हुआ, उनकी आवभगत हुई। आज राजेश नागर तो जेसीबी पर चढ़ गए, अपने मतदाताओं का, अपने समर्थकों का, उनका जो उत्साह वर्धन करने के लिए और साथ साथ धन्यवाद करने के लिए जेसीबी पर खड़े होकर के उन्होंने सबको हाथ जोड़ करके धन्यवाद किया। हजारों की भीड़ उनके स्वागत के लिए मौजूद थी। कल इसी प्रकार से विपुल गोयल और पलवल में गौरव गौतम का जबरदस्त खैर मकदम हुआ। राव नरवीर सिंह भी पहुंचे कल गुड़गांव के अंदर। इससे पहले अनिल विज साहब गब्बर भी पहुंचे अपने अंबाला कैंट में। इन मंत्रियों को लेकर के मैं आपसे एक चर्चा में हूं कि मंत्री कौन से एक्शन में हैं। सबसे पहले तो नायब सिंह सैनी के जो सबसे उम्रदराज और सबसे प्रमुख व्यक्तित्व, दूसरे नंबर पर शपथ लेने वाले अनिल विज शपथ लेने के बाद अगले दिन जब अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, कार्यभार संभालने के बाद अधिकारियों की बैठक बुलाई और उनकी बैठक देख करके याद आ गए अनिल विज के पुराने नज़ारे, जब वो पहले वजीर हुआ करते थे। चाहे वो संगीता कालिया का इशू हो, चाहे वो हिसार की ग्रीवेंस की बैठक हो, अनिल विज ने जो अधिकारी आए थे, जो ऑफिसर्स आए, उनसे पूछा कि सभी अधिकारी नहीं हैं। ADC अपराजिता थी वहाँ पर, ADC साहिबा कुछ कह रही थी, लेकिन गब्बर तो गब्बर है और गब्बर ने कह दिया अधिकारियों से, लीव द रूम, बाहर जाइए, चलिए। सारे अधिकारियों को कमरे से बाहर भेज दिया और कहा कि जब आगे जब जरूरत समझूंगा या जब अधिकारी जब फ्री हो जाएंगे तब आ जाएं। यानी कि एक तरह से उनको बता दिया कि ऐसे काम नहीं चलेगा। अनिल विज ने एक बात और भी बोली कि मैं कोई नया वजीर नहीं हूँ, पुरानी सरकारें चलाई हैं। खैर, अनिल विज की बात हुई। राव नरवीर सिंह का एक भाषण खूब वायरल हो रहा है जो उन्होंने अधिकारियों की बैठक में दिया। उनका जो एक्शन का जो था, रिएक्शन चल रहा है अधिकारियों के अंदर, तमाम गुरुग्राम के अंदर, तमाम साइबर सिटी के अंदर इस समय गुफ्तगु है अधिकारियों में। नरवीर सिंह पहुंचे गुड़गांव के अंदर और उनका खैर मकदम किया, उनका स्वागत किया वहाँ के DC निशांत यादव और कमिश्नर ऑफ पुलिस विकास अरोड़ा ने। और उसके बाद में जब अधिकारियों के साथ बैठक करनी शुरू की तो फिर राव नरवीर सिंह ने नाम ले लेकर के जो क्लास लेनी शुरू की अधिकारियों की, वो चर्चा में है। चर्चा में राव नरवीर सिंह का वो वक्तव्य भी है जिसमें उन्होंने कहा कि अपने आकाओं से मिलने दीपावली तक, अपने आकाओं से। सरकार में अब उनके अधिकारियों के आका और कौन से होंगे, ये तो अधिकारी बता सकते हैं या राव साहब बता सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि सीधे सीधे कहा कि अपने आकाओं से मिल लें और अपनी अपॉइंटमेंट कहीं और करा लें, क्योंकि गुरुग्राम में रहना है तो काम करना पड़ेगा। अब दोस्तों बहुत बड़ी बात है, राव नरवीर सिंह पहले भी अपनी सरकार पर उंगली उठाते रहे, ठीक है, वाजिब है, टिकट की उसके में दौड़ थी, टिकट जाने कहाँ मिलती, कहाँ चुनाव लड़ना पड़ता, लेकिन अब जब सरकार में आ चुके हैं तो आज फिर कह रहे थे कि अपने आकाओं से बात कर लें, नंबर एक। नंबर दो कह रहे हैं अगर गुरुग्राम में रहना है तो काम करना होगा, तो क्या गुरुग्राम में पहले कोई काम नहीं हो रहे थे? तीसरी बात एक और कही, सबसे प्रमुख बात एक और थी दोस्तों, कि राव साहब जब पहुंचे तो उनका खैर मकदम के लिए या उनके साथ में गुरुग्राम के MLA मुकेश शर्मा नहीं थे,
पड़ोसी पटौदी विधानसभा की एमएलए भी नहीं दिख रही थी विमला चौधरी, सोना वाले तंवर साहब भी नहीं दिख रहे थे, राव नरवीर सिंह दमादम थे और अपनी बात कह रहे थे। राव साहब ने कह दिया कि अधिकारियों को या तो अपना रवैया बदलना पड़ेगा या अपने आकाओं से मिल करके दीपावली से पहले पहले अपने स्टेशन तय करने चले जाएं। चर्चा उसकी है, चर्चा और भी मंत्रियों की है। रणवीर सिंह गंगवा भी पहुंचे अपने हिसार के अंदर, अधिकारियों की बैठक उन्होंने भी ली और वहां पर खूब वो भी लाल पीले हुए। महिपाल ढांडा तो पानीपत ग्रामीण के जो विधायक और सरकार के सूबे के कैबिनेट वजीर जो बने हैं, महिपाल ढांडा साहब तो पहले से ही कह रहे थे। वैसे आपको एक बात जरूर बता दूं दोस्तों कि हरियाणा के अंदर जब इलेक्शन हुआ, 5 अक्टूबर को मतदान हुआ और 8 अक्टूबर को मतगणना हुई, चुनाव के दिन भी, चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी और मतगणना से पहले यानी कि मतगणना वाले दिन तक भी, अगर मैं ये कह दूं कि अधिकारियों के अंदर इस बात में कोई दो राय नहीं है, अधिकारियों को लगता था कि जैसे हरियाणा के अंदर समय बदल रहा है और अधिकारियों को कहा भी जाता है कि मौसम वैज्ञानिक हुआ करते हैं, और इस बात को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में क्षोभ है, गुस्सा है, क्रोध है। अब ये कहाँ कहाँ नजला गिरेगा, एक तो ये बात आ गई, और दूसरा नायब सरकार के जो वजीर हैं जिनका जो लाइन ऑफ एक्शन दिखाई दे रहा है, जो समझ आ रहा है कि जिस प्रकार के उनके बोल हैं, जिस प्रकार से वो अधिकारियों से कह रहे हैं, राव नरवीर सिंह की एक टीस हो सकती है कि 2019 से 24 तक वो सरकार से बाहर थे। गब्बर की भी हो सकती है कि उनको भी नायब सिंह सैनी के साथ काम करने का मौका पहली बार मिल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से अगर टारगेट वाली बात आती है तो फिर चर्चाएं जरूर चलती हैं, और इस समय चर्चाएं तमाम पूरे हरियाणा के अंदर, खासकर चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं जो राजनीतिक घटनाक्रम में, राजनीतिक गतिविधियों में रुचि रखते हैं जो लोग, चाहे मीडिया के लोग हैं, सभी के अंदर चर्चाएं हैं कि आखिर मंत्रियों के जो लाइन ऑफ एक्शन आगे क्या रहेंगे, अधिकारियों के लिए किस प्रकार की कहानियां चलेंगी, अधिकारियों के लिए किस प्रकार के एक्शन होंगे। और सबसे प्रमुख ये है क्योंकि नई सरकार बन चुकी है, और नई सरकार बनने के बाद में मैंने आपको जो पहले बताया वीडियो, अभी इसी वीडियो के अंदर ही आपसे मैं जो जिक्र कर रहा था कि चुनाव से पहले भी यानी कि 5 अक्टूबर से पहले भी, 5 अक्टूबर को भी, 5 अक्टूबर के बाद भी और 8 अक्टूबर की सुबह तक, जो मैंने आपसे कहा अधिकारियों की बात ब्यूरोक्रेट्स में जो चर्चा थी और उसको लेकर के कई अधिकारियों के पाले जरूर खींचे थे, और कई बड़े अधिकारी, आला अधिकारी, इवन चंडीगढ़ में बैठने वाले अधिकारी भी, जहाँ एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा दरबार में थे, कांग्रेस नेताओं के दरबार में थे, तो नायब सिंह सैनी और सरकार के नज़दीकी लोग, सरकार के वजीर, सरकार के विधायक, उनको कहीं ना कहीं बात खटक तो जरूर रही होंगी। और इसलिए अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि हरियाणा के अंदर किस प्रकार से अब मंत्रियों का कार्यकलाप शुरू होगा, क्या हरियाणा के अंदर अधिकारियों पर कोई बड़े एक्शन होंगे, नायब सरकार का पूरी तरह से कामकाज संभालने के बाद में क्या अधिकारियों के बड़े पैमाने पर नौकरशाहों के, ब्यूरोक्रेट्स के तबादले होंगे। और सबसे प्रमुख बात एक और दोस्तों आ जाती है, सबसे प्रमुख बात यह है कि मंत्रियों को जो उनके पोर्टफोलियो मिलने हैं, उनके विभाग मिलने हैं, उसके बाद हरियाणा सरकार का और हरियाणा की राजनीति कौन सी नई दिशा लेगी। आपको क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर क्या अभी और कुछ बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं? आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से हरियाणा के मंत्रियों का, खासकर अधिकारियों और नौकरशाहों के प्रति जो व्यवहार, बर्ताव और उनके प्रति बातचीत आ रही हैं, क्या वो किसी बड़े बदलाव, बड़े परिवर्तन का संकेत दे रही हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।